जय कृष्ण। गाला पेपर सेट 2024 का पेपर टू हम पूरा आंसर्स के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं, और उसके पहले मुकुंद सर संस्कृत ट्यूशन से जुड़े हुए आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी कि अब हमारी खुद की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी, जहां आपको गाला के पेपर्स का पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ सिर्फ 55 रुपीज में मिलेगा, साथ में एक डेली ग्रामर क्वीज रोज, और उसके साथ मिलेगा आपको एक 1499 का ऐसा क्रैश कोर्स कि जिसमें आप 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। उसमें मैं आपको क्या क्या दूंगा, तो सबसे पहले लास्ट ईयर जिन्होंने ये कोर्स लिया था, देखिए ये रिजल्ट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं, आप भी ये रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रामर में पूरे मार्क्स आए। उसके लिए मैं आपको हर ग्रामर के टॉपिक के लिए इतने सारे क्वेश्चंस 2000+ क्वेश्चंस देने वाला हूं। देखिए धातु रूप के लिए 100 क्वेश्चंस है, नाम रूप 150 क्वेश्चंस, जो 1-1 मार्कर है उसमें भी संख्यापद कृदंश मप्रयोग सभी के 50-50 और पूरे उपपद विभक्ति के 60, यानी पूरी टेक्स्ट बुक का हर एक सेंटेंस उसमें आ गया। समास का आपको चिंता रहती है ना, तो मैंने पूरी टेक्स्ट बुक का हर समास अलग अलग किया हुआ है, संधि भी रूल्स वाइज पूरे टेक्स्ट बुक की अलग की हुई है। उसके साथ मैं आपको ग्रामर के 35 पेपर्स दूंगा, और जनवरी फरवरी मार्च हर एक मंथ में आपको लाइव लेक्चर्स भी, मतलब मैं खुद हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसके साथ आपकी फुल कोर्स एग्जाम्स भी लूंगा, जिसको बोर्ड के पेपर चेकिंग पैटर्न के हिसाब से मैं चेक करूंगा। आपको सब्जेक्टिव कोर्स में भी, टेक्सचुअल मटेरियल में भी, सभी चैप्टर्स के ट्रांसलेशन इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स, देन MCQs, संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स, अब तो संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स भी MCQs फॉर्म में ही आ गए। उसके साथ जो आपको ध्यान में हो, तो सेक्शन सी में 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, जो पूरे टेक्स्ट बुक में कहां से आएंगे उसका पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, दूंगा। उसके साथ जो टेबल्स हमको ग्रामर में करने होते हैं पर 9th की टेक्स्ट बुक में है, वो सब भी आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके साथ इंट्रोडक्शन, मतलब राइटर और बुक, उसका पूरा टेबल, और जो 7 श्लोक हमको लर्न करने हैं वो भी। और ऐसे आप पहुंच सकते हैं इस रिजल्ट पर मेरे साथ पढ़ के। तो जरूर से आप क्रैश कोर्स से जुड़िए और 80 में से 80 मार्क्स लाइए। चलिए गाला पेपर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए, विभाग ए, ये सेक्शन ए होता है पाठ के सेक्शन, पाठ के चैप्टर्स में से, चैप्टर 2, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, इन्हीं 8 चैप्टर्स में से होता है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन कहां से आया और क्या उसका मतलब है वो समझाता जाऊंगा, आंसर तो आपको साथ में दिख ही रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अथ तयोः निश्चयम् ज्ञात्वा, ये चैप्टर 2 का लास्ट पैराग्राफ की अनागत विधाता निष्क्रांतः विथ रिलेटिव्स, दोनों जो है प्रत्युत्पन्न मति और यद भविष्य, दोनों जलाशय में ही रहे, धीवर आए, फिशरमैन आए, उन्होंने जाल फेंकी, प्रत्युत्पन्न मति ने एज अ डेड एक्टिंग की, और यद भविष्य जो है वो पकड़ा गया, प्रत्युत्पन्न मति निकल गया और डीप वाटर में चला गया। फिर दूसरा जो उसके ऑप्शन में क्वेश्चन है एकदा सिद्धराज वाला, वो है चैप्टर 12 का सेकंड पैराग्राफ, कि सिद्धराज जैसी मैं सोचने लगे कि मालव विजय से मुझे धन का स्वामित्व मिला, आई हैव गॉट द ओनरशिप ऑवर वेल्थ, लाइब्रेरी भी वहां की मिली, बट आई हैव नॉट गॉट सच फेम दैट भोज हैज गॉट बाय भोज व्याकरण, तो ऐसा कुछ करूं कि मेरी फेम भी ऐसी हो जैसी भोज राजा की है। एंड संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं MCQs फॉर्म में, पार्थिवाग्नेः केन सह संबंधः, तो सूर्येण, ये चैप्टर 17 का है लास्ट सेकंड पैराग्राफ, पृथ्वी पर रहे हुए अग्नि का किसके साथ संबंध है, सूर्य के साथ। किदृशाः, किदृशाः यानी कैसे, ये क्वेश्चन का वर्ड समझे आप, कैसे लोग एक ही जगह पर घूमते रहते हैं, तो व्यसनों में पड़े हुए। फिर तृषातुरः, प्यासा अर्जुन कहां गया, तो सरोवरम कुत्र यानी कहां, वेर। देन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स हैं, व्हिच ऑब्स्टेकल्स कैन देयर बी फॉर अ पीस ऑफ वुड टू रीच टू द ओशन, our obstacle hand to stick to the bank, sinking in the water due to great heaviness, to be caught in the whirlpool and separation from the water of river. Then why did Brahma compare Durvasa with an actor? Chapter 9 सबसे difficult लगता है ना, तो क्यों actor के साथ compare किया है, क्योंकि उसने dress of sage पहना है पर उसका मन में शांति नहीं है, he is wearing the dress of sage like an actor, with the mind without peace or devoid of pacification, ये मुख्य आंसर है। बाकी विस्तार से, वैसे तो इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स में इंट्रोडक्शन भी लिखनी चाहिए। In what way did the girl increase Shakti Kumar's liking for meal? So by describing various food items, वो जो भोजन करने बैठा है ना, सब बता रही थी क्या क्या कैसे कैसे बनाया है, आपको विस्तार से लिखना चाहिए। मैंने यहाँ एग्जैक्ट आंसर दिया है,
आप उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखें। फिर शॉर्ट नोट है प्लानिंग ऑफ कूटनाथ टू रिसीव वित्त दास। तो कूटनाथ ने क्या प्लान किया था कि भाई वो उसके घर जाएगा, उससे बर्तन मांगेगा, वो पहले बर्तन देगा तो उसके डबल थोड़े ज्यादा देगा, पर फिर जब दूसरी बार वो बर्तन मांगेगा तो वित्तदास ग्रीडी होकर ज्यादा बर्तन भी देंगे ये सोचकर उसको अच्छे बर्तन देगा, तब वो वापस नहीं देगा और कहेगा कि ऑल योर यूटेंसिल्स डाइड, आपके सारे बर्तन मर गए। और जो 10th शॉर्ट नोट है नेचुरल रिसेम्बलेंस अमॉन्ग द लिविंग बींग, ये चैप्टर 17 की है, जिसमें बताया है कि दो प्रकार के लिविंग बींग्स, एक तो इंसान जो है वो जब किसी सामाजिक कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं तब भोजन के लिए कौन किसके साथ बैठता है, तो जिसकी कुछ रीजन बेस्ड इंटरनल सिमिलैरिटी है, स्वाभाविकम सदृश्यम है। और दूसरा गाय और बछड़े का दिया है कि गाय भी पूरा दिन चरने के बाद जब गौशाला में वापस आती है तब अपने बछड़े के साथ सो जाती है। बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर है गद्य पाठ, गद्य खंड पढ़ना है और उससे संस्कृत में उत्तर देने हैं। वैसे ये भी उन्हीं पाठ में से ही होता है, ये 5th चैप्टर में से है। कन्या तंडुदान केन प्रक्षालितवती, तो किससे उसने प्रक्षालितवती यानी धोए, तो जले न पानी से धोए। फिर तंडुलाहा कदा, वेन कवा, कदा यानी वेन, कब सिद्धा है यानी पक गए, वेन राइज वेर कुक्ड, तो अल्पी ऐसा काले न इन शॉर्ट टाइम। फिर कन्या कृष्णांगारान कथम प्राप्तवती, उसको कैसे कृष्णांगार मिले, ब्लैक होल उसको मिला कैसे, तो उसने इंधनानी जलेन शमयित्वा, इंधन जो फ्यूल था ना उसको पानी से शांत किया और तब उसको मिला कृष्णांगारान ब्लैक होल, और कृष्णांगारान विक्रिय, कृष्णांगारान को बेचकर, ब्लैक होल को बेचकर कन्या ने क्या पाया, तो उसने पाया शाकम घृतम दधि तैलम च, शाकम घृतम दधि तैलम च। ठीक, ये सेक्शन ए हुआ। साथ में मैंने साइड में दिया ही है कि कौन कौन से कोर्स हैं और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो भी जरूर पढ़ते रहिएगा। मैंने QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं एप्लीकेशन में। देन सेक्शन बी में जाते हैं। सेक्शन बी श्लोक के चैप्टर्स का है, चैप्टर 1, 3, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 20, ये सारे श्लोक के चैप्टर्स हैं। इन्हीं में से सेक्शन बी में सब क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 12, वो है चैप्टर 3 में से, चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 5 और 6, गो टू स्कूल विद फ्रेंड्स, और वहां जाकर पाठ पढ़ो ऐसा, तातः पिता फादर जो पुत्र हिते रत है, एनग्रोस्ड इन बेनिफिट ऑफ द सन, उन्होंने पुत्र को आदेश दिया। और साथ में दूसरा समझाया कि लीव द कंपनी ऑफ दुर्जन बैड पीपल, हैव द कंपनी ऑफ साधु गुड पीपल, कुरु पुण्य मेरिटोरियस डीड्स, करो अहोरात्रम डे एंड नाइट एंड ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ हरि। उसके ऑप्शन में जो है क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 20 का फर्स्ट श्लोक, शिक्षा क्षयं गच्छति काल प्रयात, समय जाते हुए हम पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं, लर्निंग डिस्ट्रॉयज फॉर्मली रूटेड ट्रीज फॉल डाउन, तालाब में रहा हुआ पानी भी समय जाते सूख जाता है, पर हुतम ऑफर्ड एज एन ऑब्लेशन एंड दत्तम गिवन एज चैरिटी, यहाँ कर्ण के बारे में जो बताया है ना वैसा ही दिखता है। संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स है, पर्जन्य कदा, वेन, कब बारिश आनी चाहिए, चैप्टर 1, काले एट प्रॉपर टाइम। भग्न धनवा रावण कुत्र पतितः, जिसका धनुष्य टूट गया ऐसा रावण कुत्र, वेर, कहां गिरा, चैप्टर 16, वो भूवि, पृथ्वी पर गिर गया। हेयम, छोड़ देने जैसा क्या है, अकार्यम, चैप्टर 18 श्लोक नंबर 2। फिर उसके बाद है इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट डज द पोएट एडवाइस टू डू टू रिमेन यूनाइटेड, पहला चैप्टर पहला श्लोक, टेक्स्ट बुक की शुरुआत, वॉक टुगेदर स्पीक टुगेदर एंड मे योर माइंड्स बी सिमिलर एज अर्लियर देवास एक्सेप्टेड द पार्ट व्हिच इज ऑफर्ड इन यज्ञ विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वेद के मंत्र हैं। हाउ इज गोल्ड टेस्टेड, चैप्टर 7, गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 वेज, बाय रबिंग कटिंग हिटिंग स्ट्राइकिंग, रबिंग कटिंग हिटिंग स्ट्राइकिंग। व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड बाय जटायु टू चैलेंज रावण, उसने जटायु ने चैप्टर 16 में क्या कहा है रावण को, कि भले ही मैं ओल्ड हूं तू युद्ध है तेरे पास बो चैरियट फिर आर्मर एंड एरोज है, फिर भी सीता को लेकर तू सेफ नहीं निकल पाएगा। और 20 क्वेश्चन है, हाउ कैन एनीवन बिकम बहुव्रीही, चैप्टर 18 श्लोक लास्ट, समास वाला जो श्लोक है, बहुव्रीही यानी वन हैविंग मेनी ग्रेन्स, बहुव्रीही खुद ही बहुव्रीही समास है, और बहुव्रीही कैसे, रिच कैसे बना जा सकता है, तो बाय डूइंग वर्क, हार्ड वर्क करो तो भाई बनोगे कुछ, किसी कुछ भी करना है, रिच बनना है नहीं, कुछ भी करने के लिए हार्ड वर्क तो जरूरी है।
फिर श्लोक है, पहला जो है वो पहले चैप्टर का पहला, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। दूसरा चैप्टर 13 का है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्स च मे प्रियः। और तीसरा चैप्टर 10 का है, वो तो गुजराती दोहा के राग में गा सकते हैं, अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा झाड़्य वक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आपको ये राग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, फिर सेक्शन सी की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, विभाग सी, नाट्य विभाग, ये आ जाता है चैप्टर 4, 8, 14, 19 में से। पहला जो क्वेश्चन है ना वो चैप्टर 8 में से है, पुनित और सुनित वाला। पुनित का पहला ही डायलॉग है, पुनित जब बोल रहा है कि भाई रास्ते पर कई बार दुर्घटना एक्सीडेंट्स भी होती हैं और वहां जनरली 3 प्रकार के साक्षी विटनेस होते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स जड़ पदार्थ प्रस्तर स्टोन एक्सेट्रा, गौ आदय एनिमल्स पशव एंड ह्यूमन बींग्स मनुष्य। और क्या तुम जानते हो कि ये तीनों भिन्न भिन्न डिफरेंट काम करते हैं। तब सुनित ने कहा, आई डू नॉट नो, फर्स्ट टेल मी कि प्रस्तर स्टोन क्या काम करते हैं। तो पुनित कह रहा है कि वो तो नॉन लिविंग होते हैं, कुछ काम नहीं करते, पड़े रहते हैं। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है यानी 25th नंबर का, जिसमें कहा है कि शांडिल्य चैप्टर 19, उसने पूछा कि भाई मुझे पढ़ने का अर्थ जानना है। तब परिव्राजक ने कहा कि पठित पाठ ही दोज हु हैव स्टडीड द लेसंस, ये बहुव्रीहि समास है, उनको भी कुछ काल के बाद पता चलता है कि पढ़ने का अर्थ क्या है, इसीलिए पढ़। तब शांडिल्य ने पूछा कि पढ़ने से क्या होगा। तब परिव्राजक बोल रहे हैं कि पढ़ने के बिना नॉलेज नहीं मिलता, नॉलेज के बिना सुख नहीं मिलता, धर्म अर्थ एंड मोक्ष, इनके लिए पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स में भी वो क्वेश्चन है। फिर कह वदति हु सेज, ये लिखना है, इसके लिए भी ट्रांसलेशन आने ही चाहिए, हर एक वाक्य का ट्रांसलेशन पता चलना चाहिए। यदि स्यात् वाक्य मात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा, शकुनी बोल रहा है कि सिर्फ बोलने मात्र से वसुंधरा, इफ द अर्थ कैन बी कॉन्कर्ड। फिर किदृश तृणाना वग्निना सह विरोध, चैप्टर 14, चंदनदास कह रहा है कि मैं एक तृण ब्लेड ऑफ ग्रास आग के साथ कैसे विरोध कर सकता हूं। और ते तथा ही वदिष्ठन्ति दे स्टे एज इट इज, ऐसा ये जो है ये पुनित का डायलॉग है, अभी हमने जो ट्रांसलेशन में देखा वही फिर से यहाँ रिपीट किया है। फिर इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स है 29th क्वेश्चन, व्हिच मैन इज कंसीडर्ड टू बी एन एनिमल, चैप्टर 8, तो हु रन्स अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि पशु जो है वो आवाज के डर से भाग जाते हैं, वैसा अगर इंसान भी बिना हेल्प किए भाग गया, रन्स अवे, तो वो एनिमल कहा जाएगा। ध्यान में रखना, स्टोन वाले और एनिमल वाले में कंफ्यूजन होता है, स्टोन किसको कहेंगे हु डजंट फील सॉरो, एंड एनिमल किसको कहेंगे हु रन्स अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक, 30 क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई डज चाणक्य कंसीडर चंदनदास एज द फर्स्ट ओपोनेंट ऑफ चंद्रगुप्त, तो क्यों उसको पहला कहा, क्योंकि उसने अमात्य राक्षस जो कि नंद का सबसे वफादार मंत्री था, उसके ही फैमिली को चंदनदास ने प्रोटेक्ट करके बचाया हुआ है, अपने घर में रखा हुआ है, इसीलिए उसने पहला ओपोनेंट चंदनदास को कहा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज घटोत्कच, व्हाट डज घटोत्कच एडवाइज शकुनी टू डू, तो घटोत्कच ने कहा कि ये जो जुगार के पासे पकड़ कर बैठा है उसको छोड़, लीव द डाइज एंड बी कैपेबल फॉर आर्चरी, तो ये अक्षान विमुच्य भवान योग्य, ऐसा वाक्य है वहां पर। फिर उसके बाद है शॉर्ट नोट, अभिमन्यु द प्राइड ऑफ कुरुरेस, अभी अभिमन्यु के बारे में महाभारत में डायरेक्ट पढ़ना चाहिए, अद्भुत कैरेक्टर है, हर एक इस उम्र में अभिमन्यु को तो पढ़ना ही चाहिए, छोड़ो अभी हमको शॉर्ट नोट में जाना है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बेटा है, कृष्ण का भांजा है, कृष्ण उसके मामा लग रहे हैं, और उसको मारने के लिए 1,200,000 लोग इकट्ठा हुए हैं, फिर भी अभिमन्यु उनके सामने अकेला लड़ा है और अभिमन्यु जीता है, हारा नहीं है, जीत कर वो मरा है, और उसके साथ चीटिंग एक बार नहीं पूरा दिन हुई है, पर फिर भी वो हिम्मत से लड़ा है, अभिमन्यु सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, तो ये लिखना है। और यहाँ चैप्टर में क्या है, तो भाई चैप्टर में अभिमन्यु मरा है, उसका अभिमन्यु का बलिदान हुआ है, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसके विरोध में अर्जुन बहुत भयंकर तरीके से मारने वाला है सभी को, ये धमकी बोलो या शांति संदेश के नाम पर यहाँ दिया गया है, कृष्ण का शांति संदेश भी भयंकर होता है, तो ये यहाँ पर हमको बताना है कि कितना अर्जुन उसमें दुखी हो गया था अभिमन्यु के बलिदान के कारण वगैरह, और क्यों घटोत्कच को भेजा गया है। उसके बाद है आचार्य कौटिल्य चाणक्य, उल्टी खोपड़ी वाला इंसान, जबरदस्त दिमाग चलता था आचार्य चाणक्य का, वो अर्थशास्त्र में बहुत माहिर थे, तक्षशिला विद्यापीठ में वो गुरु थे,
उसके साथ उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया और मगध का सम्राट सिर्फ नहीं चक्रवर्ती सम्राट बनाया। और फिर चंद्रगुप्त कैसा राजा बना कि उसके निर्णयों के ऊपर पूरी दुनिया चल रही थी। एथेंस में क्या होगा वो चंद्रगुप्त निर्णय लेता था। बहुत पावरफुल कैरेक्टर है भारत के। यहाँ क्या है तो भाई यहाँ चंदनदास को उन्होंने बुलाया है और फिर क्योंकि उनको अमात्य राक्षस चाहिए था इसीलिए, और वो अमात्य राक्षस की फैमिली चंदनदास के घर थी, तो अमात्य राक्षस के बारे में जानने के लिए उन्होंने चंदनदास को बुलाया है और चंदनदास के साथ उनका वार्तालाप जो हुआ है वो हमारे चैप्टर में है। वो भी कॉन्टेक्स्ट हमको देना है आचार्य चाणक्य के बारे में। फिर है कैरेक्टर ऑफ शांडिल्य। शांडिल्य का कैरेक्टर कैसा है कि वो भूख के लिए, भोजन के लिए घर छोड़कर सन्यासी बनने गया है। पहले बौद्ध सन्यासी मिल गए तो वो तो उपवास उपवास करते थे, नहीं अच्छा लगा तो फिर दूसरे सन्यासी ढूंढे, उनके साथ खाने की शर्त पर वो सन्यासी बना है। और फिर जो थोड़ा हास्य खड़ा हुआ है वो खाने के लिए कैसे वो करता है, फिर गार्डन में वो गया है तो कैसे टाइगर से डरा है, और पढ़ने के लिए कैसे उसको परिव्राजक ने समझाया है, वो समझा और पढ़ने लगा, ये पूरा हमको ब्रीफ में लिखना है और इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट डायलॉग्स नहीं आने चाहिए। फिर उसके बाद ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, एन एक्सीडेंट डजंट अकर विदाउट रीजन, कारण बिना दुर्घटना न भू, कारणम बिना दुर्घटना न भवति, ये मैं आपको क्रैश कोर्स में पूरा सिखा पाऊंगा, अभी सिखाना पॉसिबल नहीं है, आंसर उसमें दे रहा हूं। फिर द सब्जेक्ट्स आर मोर रिजॉइजिंग बाय द मून ऑफ फुल मून नाइट, तो प्रकृति पूर्णिमा चंद्र अधिक नंद, तो प्रकृतयः पूर्णिमा चंद्रेण अधिकम नंदंती, और धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ कौरवास, धृतराष्ट्र कौरव जनक अस्त, धृतराष्ट्र कौरवाणाम जनक आसीत। ये बहुत इजी है, अगर आपको धातु रूप नाम रूप आते हैं ना तो आप खुद से वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हो, बहुत इजी है, एक बार सीखने की जरूरत है बस से। ठीक, अब आ जाते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में ग्रामर आ गया, पहला है समानार्थी और विरुद्धार्थी वालुका का है, सिकता वालुका यानी सेंड रेती, ये चैप्टर 20 में से है, और पुराण ओल्ड उसका न्यू यानी नूतन। उसके बाद धातु रूप है, मैं आपको पूरा व्याकरण टॉपिक के साथ सिखाने वाला हूँ, तो क्रैश कोर्स से जरूर जुड़िए। और यहाँ जो है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दो फ्री ग्रामर टेस्ट की भी लिंक दे रखी है, वो भी आप टेस्ट जरूर दें, उसके सॉल्यूशंस भी आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। जहाँ फ्री टेस्ट वाला होगा ना, वहाँ तीन जो डॉट होते हैं उनमें से फ्री टेस्ट में आपको मिलेगा उसका सॉल्यूशन, तो आप अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं, तो वो जरूर से फ्री टेस्ट तो आप अटेम्प्ट करिए ही। धातु रूप के वर्तमान काल मध्यम पुरुष बहुवचन, मी वह मह सीथ थ, या तो ई वह महे से ई थे द्वे, तो द्वे यहाँ पर दिया हुआ है, लभ द्वे। फिर सामान्य भविष्य काल अन्य पुरुष एक वचन, वो भी वर्तमान काल की तरह ही चलता है, तो मी वह मह सीथ थ ती, तो ती मिल गया, नर्तिष्यति उसके आगे श्य लग जाता है भविष्य काल में, बाकी वर्तमान काल जैसा ही होता है। फिर आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन, तो तू ताम अंतु या ताम इताम अंताम, तो यहाँ तू नहीं दिया है, ताम दिया है, कथा यह ताम आंसर हो गया। विद्यर्थ अन्य पुरुष बहुवचन, इत इताम इयुहु या इत इताम इरन, तो इरन दिया हुआ है, पूजयेरन। स्म प्रयोग बहुत इजी टॉपिक है, अचिंतयत त निकाल कर ती किया, चिंतयति स्म। फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये अकारांत टेबल हुआ, यानी देव का या जन का या राम का, जो भी आप लोग ये जो टेबल्स है ना उनको लर्न करने की बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, आराम से याद हो सकते हैं 2-5 मिनट में। ठीक, तो देवम द्वितीय विभक्ति हो गई, तो कैलासम जनम रामम ऐसा। फिर तृतीय विभक्ति एक वचन, यहाँ देखो शीला आकारांत, यानी लता शाला माला बाला, ये आकारांत टेबल है, तो उसकी तृतीया लतया लता भ्याम लता विही, तो लतया शीलया हो गया। फिर उपपद विभक्ति एक मार्क का है, बहुत इजी है, अगर आपको अकारांत आकारांत एक बार टेबल हो गए ना, तो उपपद विभक्ति का एक मार्क कहीं भी नहीं जाएगा, और हमने तो पूरे टेक्स्ट बुक के सारे उपपद विभक्ति के सेंटेंस अलग निकाले हुए हैं, तो यहाँ विना आ गया, विना द्वितीय तृतीय पंचमी में आता है, यहाँ पंचमी का धर्मात देवात जनात दिया हुआ है। उसके बाद का संख्या पद है पदानी, तो शतम पदानी, सिर्फ तीन रूल का संख्या पद है, बहुत इजी है। फिर भ्रमित तुम, ये कृदंत आ गया, तुम आया तो हेतुअर्थ, कभी म भी आ सकता है, कभी अनुस्वार भी आ सकता है। फिर संधि है अपूर्वोयम, तो ओ का विसर्ग हो गया, इसीलिए अपूर्वः अयम, अपूर्वः अयम, ओ का विसर्ग हो गया, अवग्र का अ हुआ। च प्लस अनले, तो अ प्लस अ आ हो गया, चा अनले।
फिर शिला लिखितम, ये समास हो गया तो रिटन ऑन द स्टोन, क्योंकि ऑन आया इसीलिए सप्तमी तत्पुरुष हुआ, क्योंकि ऑन आया। ऐसे हर एक विभक्ति के अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं, ये सब कुछ बहुत इजी है हा? और समास संधि हमने पूरे टेक्स्ट बुक के निकाले हैं, तो हम हर एक शब्द को मैं समझाने वाला हूँ। आपको अगर क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो वो कैसे होगा, कहाँ होगा, उसके लिए क्रैश कोर्स के वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। भग्न दंतः, जिसके दांत टूट गए हैं वो कौन, तो वो अपरिचित जन जो अर्जुन को मिला था, जिसने कहा पानी जहरीला है, तो ये किसी का वर्णन हुआ, बहुव्रीही समास हुआ। ठीक, सेक्शन डी पूरा हुआ, अभी सेक्शन ई की ओर बढ़ते हैं। अरेंज द सेंटेंसेस, इसके लिए भी वाक्य का अर्थ पता चलना चाहिए। भो वंचकत्वम मिथ्यावदसी, हो चीटर तू झूठ बोल रहा है, निर्जीव पात्रों का मरण कथम संभवती, कैसे पॉसिबल है, जो पूर्व पहले जो पैदा हुए जातानी पात्राणी वो भवतः गृहे, आपके घर चमक रहे हैं, और वित्तदास कोपाविष्ट एंग्री होकर बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहला हो गया जगह वित्तदास क्रोधित हो गया और उसने कहा कि ओ चीटर तू मिथ्या झूठ बोल रहा है, निर्जीव पात्रों का मरण कैसे संभव है, और पहले जो पात्र जन्म हुए थे, तब ये कूटनाथ ने कहा है कि पहले जो पात्र जन्म हुए थे वो तो आपके घर चमक रहे थे। तो सेंटेंस का मतलब पता चलना चाहिए, वरना ये जाएगा। तो मैंने जो 35 पेपर्स दिए ना, उसमें हर एक पेपर में एक एक ये दिया है, तो 35 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, प्लस आप गाला तो सॉल्व कर ही रहे हो, यानी 40 क्वेश्चन, प्लस 5 फुल कोर्स पेपर यानी 45 क्वेश्चंस, और प्लस आपकी स्कूल में 4-5 पेपर होंगे, तो आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन, मूषक कथम सिंहम अमुंचत, तो कैसे उसने सिंह को छुड़ाया था, ये पीछे से क्वेश्चन है। स्वतीक्ष्ण दंतई ही जालम छेत्तुम, उसने अपने तीक्ष्ण दांतों से जाल को कट करके उसने सिंह को छुड़ाया था, अमुंचत कथम यानी इन व्हाट वे हाउ। फिर कह सिंहस्य केशान अकृंतत, किसने सिंह के बाल खींचे, तो वो भी पहले मूषक ने ही किया था, मूषक सुप्तस्य सिंहस्य केशान, यहां कह यानी हु, ये क्वेश्चन का जो वर्ड है ना उसका अर्थ पता चलना चाहिए। सिंह एकदा कुत्र, कुत्र यानी वैर, कहां गिरा, तो जाले, सिंह जाले निपतितः। और मूषक किमर्थम सिंहम प्रार्थयत, तो उसने बाल खींचे थे, सिंह मारने लगा था, तो फिर प्राणदानाय, किमर्थम यानी फॉर व्हाट, किस बात के लिए उसने सिंह को प्रार्थना की, तो प्राणदान के लिए कि भाई छोड़ दो, ऐसा ही कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद हाँ, राइटर एंड बुक, हेमचंद्राचार्य, ये चैप्टर के अंदर से लिया गया है। हेमचंद्राचार्य ने कौन सी बुक लिखी, तो उन्होंने बुक लिखी अभिधान चिंतामणि, डिक्शनरी थी महाकवि कालिदास की, मालविकाग्नि मित्रम, चैप्टर 20 का सेकंड श्लोक उसमें से लिया गया है। और बाकी महाकवि कालिदास का कुमार संभवम भी है, जो चैप्टर 3, जिसमें से चैप्टर 3 लिया नहीं गया है पर उसकी इंट्रोडक्शन में दिया है ये नाम। विशाख दत्त, इनकी है मुद्रा राक्षसम, चैप्टर 14, जिसमें से लिया गया है चाणक्य चंदन दास, अमात्य राक्षस की बात है ना उसमें। फिर ये शुद्धिकरण, 3 मार्क का है, सिर्फ वर्ण वाला आती है तो शुद्धिकरण आपको आ सकता है। इंद्रियाणी, द आ गया तो त थ द ध न, यानी न हो गया समास कंदति, फिर से न हो गया समास कंदति, और अब बोलने से भी पता चलेगा, देखो समास कन न न आया, आरंभे तो आरंभ म आ रहा है, बहुत इजी है, आरंभे तो म आ गया, देखो 3 मार्क हो गए कि नहीं, सिर्फ बोलने से। इंद्रियाणी तो न हुआ, समास कंदति तो न हुआ, आरंभे तो म हुआ, और स्वेद सलिलम अनुस्वार की जगह पर म किया, बहुत इजी है ये टॉपिक भी, 3 मार्क आपके आ ही सकते हैं। और लास्ट में है अर्थ विस्तार, अर्थ विस्तार 4 पॉइंट्स में लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मोरल। मैंने यहाँ 2 मुख्य दिए हैं, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन यानी एक्सपांशन, आपको आगे उसका इंट्रोडक्शन यानी कौन से चैप्टर, जैसे ये चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 60 है, सेवी तव्यो महावृक्ष, वो चैप्टर 7 का 3rd श्लोक है कि बड़ा पेड़ जो है उसको वो तो उसका सेवन करो जिसमें फल और छाया दोनों हो, अगर शायद हम गए तब फल नहीं मिले, कोई बात नहीं, छाया तो मिलेगी, उसको कौन रोकेगा भाई, तो महापुरुषों के साथ बैठो, अगर हम कुछ नहीं सीखे ना, उनके साथ सिर्फ रह गए ना, तो भी हमारा जीवन पावरफुल बन जाएगा। सोचो सुभाष चंद्र बोस, सिर्फ फोटो देखा तो भी पावर आता है कि नहीं, राम, सिर्फ नाम लिया तो भी पावर आता है कि नहीं, तो छाया ही उनकी पावरफुल है, फल हमने कुछ लिए ना लिए, मतलब राम से हमने कुछ नहीं सीखा, बस राम का चिंतन किया ना, तो भी उनकी छाया काम कर दी है, ये पूरा हम लिख सकते हैं उदाहरण के साथ। 61 है वज्राद अभी कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि,
लोकोत्तराणाम चेतांसी, महान लोगों के चित्त उनको कहन कौन जान सकता है, जो वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है। ये भी भवभूति जी ने राम के लिए ही लिखा है, वज्र से भी कठोर उनका चित्त है, रावण को मारना है तब, ताड़का को मारना है तब, ऐसे वज्र से भी कठोर, या तो अपने आप का डिसिप्लिन शिस्त पालन के लिए वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। कैकेयी ने कितना भी चाहे बुरा क्यों ना कर दिया, वो मेरी माँ है ना, फूल से भी कोमल। सीता का हरण होता है, फूल से भी कोमल चित्त उनका, तो कौन जान सकता है ऐसे उनके चित्त को। ये सब यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक, हमारा यहाँ पेपर 2 पूरा हुआ। आप फ्री टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन है, जरूर से फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करें और उसके सॉल्यूशन भी पाएं। उसके साथ हमारे क्रैश कोर्स से जरूर जुड़े और 80 out of 80 मार्क्स लाएं। उसमें क्या क्या कैसे मिलेगा उसके लिंक, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, गाला की PDF भी ओनली 55 rupees में, गाला की PDF प्लस डेली ग्रामर क्वीज पाएं। चलिए मिलते हैं पेपर 3 के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।